नमस्कार, आप देख रहे हैं मंडी लाइव एडिशन और अब देखना होगा बाजार पे स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, कौन सी कॉमोडिटीज जो आउट परफॉर्म करेंगे, अलग अलग जानकारों की राय आपको देंगे और साथ ही लाइव कॉल शो, अपने कोई भी सवाल कॉमोडिटी मार्केट से जुड़े हुए आप इस शो के जरिए एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आज बाजार पे जिस तरीके की ट्रेडिंग हो रही है उसमें गोल्ड और सिल्वर यहाँ पर निचले स्तरों से कुछ खरीदारी जरूर देखने को मिली। 390 रुपये अभी भी एक्टिव है गोल्ड MCX पर और MCX पर सिल्वर 52 रुपये तेज है। एक छोटी रिकवरी, एक माइल्ड रिकवरी कहूँगा, बहुत ज़्यादा गिरावट के बाद देखने को मिली। लेकिन अब क्रूड देखिए क्योंकि आज लगातार टूटती हुई कॉमोडिटी है, 2% के आसपास का ट्रेंड पड़ा लेकिन बहुत एग्रेसिव बिकवाली, ज़्यादा ट्रेडर्स नहीं मान रहे कि होगी, बहुत स्ट्रांगली खरीदारी इस हफ्ते होती हुई नजर आ रही है क्रूड पे। M6 निकल जो है, हाँ यहाँ प्रॉब्लम है, बेस मेटल्स आज कमजोर है, सभी बेस मेटल्स पे गिरावट के साथ कामकाज हो रहा है। कॉपर 1% नीचे, निकल भी आधे फीसदी के आसपास से गिरावट शो कर रहा है, प्रॉब्लम है। जिंक 3% से ज्यादा टूट चुका है, 6 रुपए की बिकवाली M6 पर और M6 लेड में भी 3.5% के आसपास की बिकवाली देखने को मिल रही है। तो आज कॉमोडिटी मार्केट पे बेस मेटल्स बेहद कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे हैं। लेकिन कुछ बंपर कॉल्स आपकी स्क्रीन पे आएंगी जहां पर खरीदारी बिकवाली का सौदा कर सकते हैं आप। सोना खरीदने की राय है, दानी कॉमोडिटीज में आता है कि 28,050 का एक स्टॉप लॉस रखें, 28,400 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, 28,200 के आसपास खरीदें, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में रहेगा। इसके अलावा एल्यूमिनियम खरीदारी की राय, 118 के जोन्स पे खरीदें, 116 के स्टॉप लॉस के साथ 121 का टारगेट देखने को मिल सकता है, यानी 118 बहुत क्रूशियल लेवल है, जिसके पार जाते ही ये कॉमोडिटी बहुत एक्टिव होती हुई नजर आएगी। नेचुरल गैस में खरीदारी की राय आई है, 235 का के जोन्स पे खरीदें, 230 का एक स्टॉप लॉस और 245 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओम कैम कॉमोडिटीज की ये राय है। अजय जैन साहब डायरेक्टर ओम कैम कॉमोडिटीज के मेरे साथ जुड़े हैं, कौशल जैनी साहब हेड रिसर्च दानी कॉमोडिटीज के मेरे साथ मौजूद है, आप दोनों का ही बहुत स्वागत है जी बिजनेस में। सबसे पहले जैन साहब बताएं, ये जो प्रेशियस मेटल्स पे एक बाउंस मिला आज के सत्र में, इसको कैसे देख रहे हैं, क्या ये सस्टेन बाइंग लगती है, होगी आज या फिर अगले हफ्ते की शुरुआत में? देखिए रजत, मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से हमने गोल्ड सिल्वर में जो भी थोड़ी बाइंग आती हुई देखी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा शॉर्ट कवरिंग जरूर है। आज शाम को एक बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है US का, तो उससे पहले मुझे लगता है थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर आती है। बट टेक्निकली तो मुझे लगता है कि अभी जो है गोल्ड काफ़ी बिटन डाउन चार्ट है, यहाँ से डाउन साइड मुझे अभी फर्दर दिखती है। हमने देखा अभी 1170 का भी एक क्रूशियल लेवल था, वो भी इंटरनेशनल मार्केट में तोड़ दिया, तो थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, एक बार इवनिंग में और देखें। फरवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 28,150-200 के आसपास जो है मुझे लगता है स्टिफ रेजिस्टेंस दिखाई देगा द्वारा से, तो वहाँ पे अगर चाहें तो आज बेच के चले, 28,300 तक का उसमें स्टॉप लॉस रखें और वापस मुझे दिखता है कि 28,000 के नीचे तक के भाव दिखेंगे, 27,900 तक के जो है आज उसको शॉर्ट को कवर कर सकते हैं। राइट कौशल जी, क्रूड पे क्या करना चाहिए? आज जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है 2% के आसपास की, प्रॉफिट बुकिंग शब्द में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से तो कमाल कर दिया क्रूड ने, सबसे बेहतर रिटर्न्स इस हफ्ते जहां पर मिले हैं वो है क्रूड, क्या करना चाहिए क्रूड पे अब? अगर देखिए क्रूड में जो बाउंस बैक आई थी वो हम लोग देखा कि ओपेक के डिसीजन की वजह से आई थी, तकरीबन $40, $42 से लेकर WTI तकरीबन $52 तक गया था, तो मेन वो सेंटीमेंटल था जो टर्न अराउंड हुआ था। लेकिन अगर प्राइस मूवमेंट देखें तो प्राइस मूवमेंट जब भी ये $52-$53 तक आता था हमेशा हम लोग ने देखी कि प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो ये मेजर टर्न अराउंड पॉइंट रहेगा क्रूड के लिए। अगर ये $53-$54 के ऊपर क्लोज होता है WTI तो हम लोग नई तेजी देख सकते हैं, वरना यहाँ से जैसा आपने बोला प्रॉफिट बुकिंग आने की काफ़ी संभावना है। रुपी भी थोड़ा अप्रिशिएट हुआ है, उसकी वजह से हम लोग ने देखा डोमेस्टिक प्राइसेस के अंदर भी थोड़ा ज़्यादा असर गिरा हुआ है, तो हमको लगता है कि जब तक 3550 के लेवल्स डोमेस्टिक एक्सचेंज में नहीं तोड़ा तब तक नई तेजी नहीं करने चाहिए। हमको लगता है वापस 3350 के आसपास ये लेवल्स जो है वो सेटल हो सकते हैं, तो करंटली जो लॉन्ग्स है वो एग्जिट करने चाहिए, और 3450 के नीचे अगर प्राइस जाता है तो सेल पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। हमको लगता है 3400 से ले 3380 के टारगेट इमीडिएटली आ सकते हैं। अजय जी, आपका मानना है कि आप 3300 का लेवल होल्ड कर जाएगा क्रूड M6 पर इस बार और एक बड़ी खरीदारी जो है वो गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकती है, अगर मेरा पर्सपेक्टिव हो 15-20 दिन का या फिर एक महीने का, तो यहाँ से बेहतरी लेवल्स देखने को मिलेंगे जिस तरीके से इस समय मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस पैन आउट हो रही हैं उस आधार पर? देखिए रजत, अभी हमने क्रूड में अगर हम देखें तो पिछले 2-3 महीने से इसकी एक बड़ी रेंज बाउंड ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दी है, $42-$47 जो है इसकी नीचे की एक रेंज थी और $52 के आसपास जो है ऊपर की रेंज थी, और हमने देखा कि अभी भी जो है वो ओपेक की मीटिंग से पहले भी इसने $42-$47 का जो सपोर्ट था वो लिया और उसके बाद ऊपर आ गया। मुझे लगता है कि इस बार जो है वो रेंज जो है वो कटती हुई दिखाई देती है क्योंकि सेंटीमेंट पॉजिटिव है, फंडामेंटल भी जो है अभी साथ में है, जिस तरीके से ओपेक जो है उसने प्रोडक्शन कट की बात करी है, 9 तारीख को अभी नॉन ओपेक कंट्री के साथ उनकी मीटिंग है, तो अभी सेंटीमेंट्स पॉजिटिव रहेंगे। और क्रूड जो है मैंने देखा बड़ी सेंसिटिव आइटम है, अगर वहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन कट आता है तो हमने देखा कि प्राइस पे जो है काफ़ी बड़ा उसका असर देखने को मिलता है, तो टेक्निकली भी यहाँ पे एक अच्छा हमने रन देखा, तो वो भी दिखाता है कहीं ना कहीं कि अभी जो है वो क्रूड में मुझे लगता है इस बार जान रहेगी।
और यहाँ पे अगर टेक्निकली बात करें तो 3400 के आसपास एक अच्छा अभी यहाँ पे बिल्टअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है वहाँ पे अगर मिलता है तो आज बाय करना चाहिए। 3350 तक का इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और वापस मुझे दिखता है 3550 और उसके ऊपर चलता है तो एक नया ब्रेकआउट दिखेगा जो शायद 3800 तक के भाव जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। कौशल जी, बेस मेटल्स पे आज जो ट्रेड हो रहा है, लेड में 2.5% की गिरावट है, जिंक में 3%, क्या ये प्रॉब्लम अभी और बढ़ेगी, या पर जहां पर जिन्होंने शॉर्ट बनाए हैं क्या उनको कैरी करना चाहिए, बिकवाली और बढ़ सकती है क्या, कोई कॉमोडिटीज जो आपके रडार पर है अभी? इनफैक्ट बेस मेटल्स देखे तो काफ़ी बुल रन में है, ये जो प्राइस करेक्शन देखा है हमारे हिसाब से वो प्रॉफिट बुकिंग है, नेगेटिविटी नहीं है ये कोई भी बेस मेटल्स के प्राइस, क्योंकि काफ़ी अच्छे रनअप हो चुके थे तो हम ऑब्वियसली कि कोई ना कहीं लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और वो आ चुके, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स स्टॉक हो रहा है तो पब्लिक यहाँ से पैसा रोटेट करके डॉलर इंडेक्स में डाल रहे तो क्योंकि वहाँ के अच्छे रिटर्न है, बट नो अन द केस बेस मेटल्स अभी भी अच्छे जोन में है, बुलिश टेरिटरी में हमको लगता है। सबसे बेस्ट बेट जो है वो अभी भी निकल है, क्योंकि निकल जब तक 720 के लेवल्स होल्ड करता है डोमेस्टिक प्राइसेस, हमको लगता है कि 850 की जोन आने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी है ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 महीने के अंदर। जो पोजिशन लेना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट बेट निकल है, और इंटरडे के पर्सपेक्टिव अगर से किसी को ट्रेड करना है तो हमको लगता है कॉपर में एक बाउंस बैक रैली आ सकती है, अगर ये 400 के लेवल तोड़ता है तो 410 के लेवल्स छू सकता है तो होल्ड करिए, किसी को शॉर्ट रखा है तो 400 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड होल्ड करिए, लेकिन किसको लॉन्ग करना है तो हमको लगता है कि 400 के ऊपर एक अच्छी नई बाइंग आ सकती है कॉपर के अंदर। चलिए, ये एक लाइव कॉलर शो आपको बता दूं, और अजय जैन जी और कौशल जानी जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कौन सी कॉमोडिटीज पे बेट लगानी चाहिए इस समय जहां ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रकाश जी नागपुर से इस समय लाइन पे मौजूद है। प्रकाश जी नमस्कार। नमस्ते सर। हाँ जी पूछिए सर, सवाल पूछिए अपना। अजय जैन सर से सवाल है एल्यूमिनियम पे। हाँ जी, एल्यूमिनियम सर करंट रेट पे अभी 5-6 घंटे के अंदर इंटरडे में करंट रेट पे क्या करना चाहिए सर? अच्छा, आपने अभी क्या कर रखा है सर, कोई ट्रेड ले रखा है क्या एल्युमिनियम? अभी कोई पोजीशन नहीं बनाई है, अभी बना नहीं है, जस्ट करंट रेट की। चलिए, और वो भी सिर्फ 5-6 घंटे के लिए, बिल्कुल बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म और इंट्राडे पर्सपेक्टिव से समझें, क्या करना चाहिए अजय जी? क्या पोजीशन जो नेगेटिव रुझान दिखा है, ये बिकवाली अभी आज के लिए और बढ़ेगी या फिर एक बाउंस के लिए तैयार हो रहा है एल्युमिनियम? देखिए, जैसे मैंने बताया इवनिंग में जो है एम्प्लॉयमेंट डाटा है यूएस का, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा रहता है, और हमने देखा है कि टेक्निकली जो जिस तरीके से बेस मेटल में रन आया था, अल्मोनियम में भी हमने देखा साथ में उस तरीके से रन आया, और अभी जो है थोड़ा सा जो करेक्शन है कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे है, चार्ट के लिए बड़ा अच्छा यहाँ पे मुझे लगता है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 116.50 के आसपास जो है ये बाय कर सकते हैं आज के लिए, 115.50 का उसमें स्टिक स्टॉप लॉस रखें, और अगर शॉर्ट टर्म में बात करें मुझे दिखता है 118 रुपये तक के भाव देखने को मिलेंगे, और 118 के ऊपर जाता है तो आप इवन स्टॉप लॉस ट्रेल करके 120 रुपये तक के भी टारगेट लेके चल सकते हैं, तो ओवरऑल मुझे दिखता है कि बेस मेटल जो है वो तेज रहेगा और एल्युमिनियम 120 रुपये तक के टारगेट के लिए आप बाय कर सकते हैं। अच्छा, सभी बेस मेटल्स पर आज तो ये जो दिक्कत हुई लेड में जिंक में 3-3% ज़्यादा की बिकवाली देख ली हमने, अजय जी इसको कैसे हैंडल करें, जिन्होंने पोजीशन तेजी की बना रखी हो कुछ स्टॉप लॉस लगाएं इन कॉमोडिटीज़ पे या फिर अभी कैरी कर लें ऐसे? देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि जो इंपॉर्टेंट डाटा है हमने देखा, कई बार जो रैलीज होती हैं वो थोड़ा सा रुकती हैं, ट्रेडर्स जो हैं वो प्रॉफिट लेते हैं जब कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होती है, तो लेड जिंक के अंदर क्योंकि बहुत बड़ा रन आया था तो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग भी थोड़ा ज़्यादा है उसके अंदर, बट ओवरऑल देखते हैं मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसा डरने वाली बात अभी लगती नहीं है, फंडामेंटल भी लेड और जिंक में तो स्पेशली मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी डिमांड है लेड की, तो अगर जिसने पोजीशन भी बनाई हुई है वो अभी 153 रुपये का लेड में स्टॉप लॉस लगा के जो है बना रह सकते हैं, अगर जिसने जिंक में पोजीशन बना रखे है वो 179 का स्टॉप लॉस रखे और अपनी बाइंग पोजीशन को मुझे लगता है कैरी कर सकते हैं, आज शाम तक आपको 186-187 तक के भाव जिंक में भी देखने को मिलते हैं। चलिए, बाबूलाल जी से हमारे साथ जुड़े हैं। बाबूलाल जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी पूछिए सर, किस कॉमोडिटी पे ट्रेड इनिशिएट किया? मैं किसान हूँ। ओके, मेरे पास गवार का स्टॉक है, मैं दोनों एक्सपर्ट से सलाह लेना चाहता हूँ, मैं गवार में क्या करना चाहिए मेरे को? चलिए ठीक है, अजय जी आप ट्रैक करते हैं एग्री को, तो आप बताएं कि क्या लगता है कि गवार में यहाँ से अभी तेजी बनेगी, 1% के आसपास की ड्रॉप देखने को मिल रहा है, कैसे अगर एक किसान है तो इनको क्या अपनी फसल जो है वो कैरी करनी चाहिए, बेहतर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? देखिए, अभी हमने देखा है कि ग्वार के अंदर जो है वो 3000 के आसपास एक बॉटम दिखता है, क्योंकि किसान है और फिजिकल प्लेयर है तो लॉन्ग टर्म जो है थोड़ा सा प्रोस्पेक्ट इनका रह सकता है, तो मुझे लगता है कि अभी अपना होल्ड करें, यहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत नीचे गिर रहा है, टेक्निकली जरूर थोड़ा सा और डाउन साइड यहाँ पे देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर मैं 2-3 महीने आगे की बात करूं तो वहाँ मुझे दिखता है एक बार आपको वापस 3800 से 4000 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो अगर आपके पास अभी कुछ पड़ा हुआ है ग्वार तो आप मुझे लगता है आप होल्ड करें, लेकिन वेट करना पड़ेगा ये तो बात यहाँ पे क्लियरली दिखती है, कम से कम 2-3 महीने आपको जनवरी और मार्च फरवरी में जाके जो है
एक बार 3800 से 4000 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, प्रिया जी से बात करते हैं, इससे मैं महाराष्ट्र से लाइन पे मौजूद है। प्रिया जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। हाँ जी पूछिए। मेरा क्वेश्चन सिल्वर पर है। ओके। मैं जानना चाहता हूँ कि मैक्स लोएस्ट प्राइस सिल्वर में क्या आएगा और कितने दिनों में, और उसके बाद फिर मैक्स हाईएस्ट प्राइस कब आएगा, लेकिन 3 और 4 मंथ्स का फिर मैक्सिमम प्राइस क्या रहेगा हाईएस्ट में। अच्छा जी कौशल जी, अगर 3 से 4 महीने का पर्सपेक्टिव हो तो, क्योंकि उस दौरान देखिए अगले हफ्ते ही बहुत बड़े ट्रिगर हो जाएगा, तो अपने यहाँ घरेलू में क्रेडिट पॉलिसी है ही, उसके बाद फेड की पॉलिसी बैठक, तो मल्टीपल ट्रिगर्स तो काम करेंगे प्रेशियस मेटल्स पे। पर अब आपका व्यू क्या है, 3 से 4 महीने के पर्सपेक्टिव से क्या यहाँ से दाम भी ऊपर जाएंगे, खरीद लेना चाहिए सिल्वर को? वैसे हमको लगता है कि $16 जो है सिल्वर ने स्पॉट सिल्वर में एक बेस बना दिया है, तो हमको नहीं लगता कि यहाँ से ज़्यादा गिरावट सिल्वर में आ सकती है, कि इनको अगर बाइंग करनी है तो एक स्टैगर्ड बाइंग चालू कर सकते हैं। यहाँ से हमको लगता है कि 50% जो पोजीशन है करंट लेवल पे कर लेना चाहिए, और अगर फेड का जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला जो कि सब लोग एक्सपेक्ट करेंगे 25 बिप्स से लेकर 50 बिप्स तक रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो वो प्राइस के अंदर फैक्टर इन है। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ और डिसीजन आता है तो प्राइस मूवमेंट ज़्यादा आ सकती है, तो वो थोड़ा है एवरेजिंग के लिए लगे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि 39,000 के नीचे सिल्वर डोमेस्टिक प्राइसेस के अंदर नीचे ट्रेड होना चाहिए, तो 40,000 के आसपास मिलते हैं, 40,400 के आसपास, तो एक करंट मार्च का जो सिल्वर ट्रेडेड है तो 40,400 के आसपास ऑप्टिमम लेवल, और तक दूसरा एक जो अगर ज़्यादा गिरावट आती है तो 39,700 के आसपास दूसरी बाइंग कर सकती है। हमको लगता है एक क्वार्टर के अंदर वापस सिल्वर तकरीबन 6 से 7% की रैली दे सकता है इधर से। चलिए और आपका व्यू अजय जी क्या लगता है, चांदी यहाँ से क्या पॉजिटिव पर्सपेक्टिव यहाँ खरीदारी करके चलनी चाहिए? देखिए शॉर्ट टर्म में तो मुझे लगता है कि अभी एक बार थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, बट उसके बाद जो है वापस एक बार आपको नीचे देखने को मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म आप 3 से 6 महीने का व्यू रखते हैं तो मुझे जरूर लगता है कि एक बार 40,000 के नीचे से थोड़ा सा बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, 38,500 मुझे लगता है कि इस बार का बॉटम जो है वो लग सकता है, क्योंकि $15.5 के आसपास एक सपोर्ट जो है वो बनता हुआ दिखाई देता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा अपनी पोजिशन और बढ़ा सकते हैं। बट अभी अगर शॉर्ट टर्म की बात करूँ, इमीडिएट बात करूँ, तो मुझे लगता है कि अभी 1,000 से 1,200 रुपये तक की मंदी जो है और देखने को। चलिए 1,000-1,200 रुपये नीचे आ सकता है, और उसके बाद अगर वो लेवल आ जाए तो खरीदारी करनी ज़्यादा बेहतर रहेगा। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ठीक है, कॉमोडिटी में तेज़ी बन सकती है। रमेश जी से बात करते हैं, MP से लाइन पर मौजूद है। रमेश जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं मुझको आप? हाँ जी हाँ जी, पूछिए सर, सवाल पूछिए कि इस कॉमोडिटी पे समय खरीदारी में। जी नहीं, सोया ऑयल पे क्या क्वेश्चन है? अच्छा ठीक है, सोया ऑयल पे क्या लगता है, क्या पर्सपेक्टिव है आपका अजय जी, क्या लगता है आज थोड़ी सी जो है एक फ्लैटिश रुझान कहूंगा कि होता हुआ नजर आया इस कॉमोडिटी, अब क्या करना चाहिए, क्या यहाँ से तेजी भी और बढ़ेगी? देखिए मुझे लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड जो है अभी सोया के अंदर जो है पॉजिटिव दिखाई देता है, स्पेशली सोया ऑयल की अगर बात करें 725-726 के आसपास जो है एक अच्छा यहाँ पे सपोर्ट है, अगर किसी को बाय करना है वहाँ पे कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में जो है 735 तक का टारगेट रख सकते हैं, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू है तो 750 तक के जो है वो आप वेट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, विजेंद्र जी से बात करते हैं, ये हमारे साथ मौजूद है MP से। विजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी पूछिए सर, सवाल पूछिए अपना। निकल पे 1,200 रुपये के भाव कब तक आ सकते हैं? मैंने आपने खरीदारी की है ना, या फिर आप बिकवाली करके चल रहे हैं? नहीं मैंने खरीदारी की है 52 रुपये के भाव से, तो 400 रुपये के भाव का मेरा टारगेट है, और मैं पोजिशनली देखना चाहता हूँ तो 400 रुपये के भाव आएंगे। अच्छा ठीक है अजय जी, क्या लगता है ये जो कमोडिटी में जो आज बिकवाली हुई है निकल पे, आप बोल रहे थे कि बेस मेटल्स पे यहाँ कहीं ना कहीं गोइंग फॉरवर्ड तेजी बनेगी, तो क्या यहाँ से कब तक आप समझते हैं कि जो भाव है 800 के आसपास क्रॉस करता हुआ नजर आएगा निकल को? देखिए बेस मेटल में मुझे लगता है निकल शायद सबसे स्लो जो है अभी परफॉर्मर जो रहा है। अच्छा, अभी शॉर्ट टर्म की बात करें मुझे तो लगता है अभी 1-2 दिन में थोड़ा सा कोई बहुत बड़ी इसके अंदर तेजी आती भी मुझे नहीं दिखाई देती। 775-780 के आसपास भी आता है, इन्होंने अगर ले रखे है पोजिशन ऑलरेडी बना रखी है तो मुझे लगता है कि वहाँ पे एक बार जो है वो एग्जिट कर जाए। अभी जो है वो कॉपर और जो है एल्यूमिनियम मुझे दो कमोडिटीज बेस मेटल में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, निकल में 775-780 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस दिखता है तो वहाँ मुझे लगता है कि एक बार बाहर आना चाहिए। कॉपर का भाव कहाँ देखते हैं सर? देखिए कॉपर मुझे लगता है कि एक बार वापिस आपको 803-804 रुपये तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, और उसके ऊपर चलता है तो 410 रुपये तक के भाव देखने को मिल सकते हैं।